हाँ जरूर आप करिए, तो हमारे जो एडिटर जो है वो भी करेंगे। मोंटू जी ये जरा हेल्प कर दीजिए। तो ये जो है तो भारी है, तो फिर भारी है ना, 15 किलो का है। अरे यार चलो रखो। तो ये भी थोड़े से फुटेज खाने के लिए बीच में आ गए। करो करो करो। तो दोस्तों आपकी ये भी हालत हो सकती है अगर आप जो है ज़्यादा वेट लेके करेंगे तो। रहने दो, हमारे एक ही एडिटर है तो उन्हें सही सलामत रहने दीजिए। तो वेटेड पुशअप तो हो गया हमारा, ये बहुत हार्ड है। 2 4 लास्ट वन, लवली। एक्स्ट्रा कर देना है। ओके, एक तो हेलो गाइस, आज फिटनेस फाइटर चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो गाइस आज आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशअप्स बताएंगे, मतलब अलग अलग टाइप के पुशअप्स होंगे इसमें, जो लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी की तरफ जाता होगा। तो आज वो वर्कआउट आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप ज़रूर इसको देखना और सर आपको बताएंगे कौन से पुशअप्स है, उसके नाम। और दोस्तों ऐसे ऐसे टाइप के हम पुशअप्स बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं देखा हो, मैक्सिमम 20% लोगों ने तो शायद परफॉर्म भी किया हो जो हमें फॉलो करते हैं, बाकी 80% लोगों के लिए जो हमें वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप यहाँ इसको कहीं पर भी आप परफॉर्म कर सकते हो, आपको एक भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और आपका जो है इसका सेकंड एडवांटेज जो है, आपका जो है पोस्चर इम्प्रूव होता है, आपका कोर मसल्स जो है वो स्ट्रांग होता है, ये सब ओवरऑल वर्कआउट करने से आपका बॉडी का जो है आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, प्लस आपका एंड्योरेंस जो है वो भी आपका डेवलप होता है। तो इसमें और काफ़ी सारी पकड़ने जाएँ तो इसमें काफ़ी सारी एडवांटेजेस है वर्कआउट करने के लिए, हम वर्कआउट आपको करके बताएंगे, आप साथ साथ में इसे परफॉर्म करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगा। तो दोस्तों इसमें हर एक पुशअप्स का हम आपको अराउंड 5-5 रेपिटेशंस करके बताएंगे, तो आपको आइडिया आ जाए तो आपको कैसे करना है। मैं आपको जो है बताऊंगा कि आपको कितना परफॉर्म करना है, आपको रोज करना है कि नहीं करना है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ और भी है कि जितने हम पुशअप्स बता रहे हैं अगर आप उसमें से, जैसे कि हमने यार 15 वेरिएशंस बताए, आपको हर एक का 5-5 रेपिटेशन करना है, जो सही प्रकार से सब पुशअप्स फॉलो करेगा प्रॉपर फॉर्म में, उसका हम फेसबुक पे और इंस्टा पे हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे, प्लस यूट्यूब पर उनका नाम भी लेंगे, विनर कौन है प्रॉपर फोटो के साथ। और दोस्तों वीडियो कैसे भेजना है वो हमने नीचे सब पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया है, अब उसके थ्रू आप जाइए, आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। तब तक हम स्टार्ट करते हैं, आप भी साथ में लगिए हमारे, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दोस्तों जो सबसे पहला जो हम परफॉर्म करेंगे वो है नॉर्मल पुशअप्स। आप सबको पता है कि पुशअप्स कैसे करना है, इसके सिर्फ 5 रेपिटेशंस करने हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि हमने राइट टाइप्स ऑफ पुशअप्स बताए, आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट, ओनली 5 रेप्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 ओके। सेकेंड जो पुशअप्स जो हम कर रहे हैं वो है इंक्लाइन पुशअप्स। ओके लेट्स स्टार्ट। आपको मालूम है आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, आप जो है सीढ़ी यूज़ कर सकते हो, हमने भी वही यूज़ की हुई है। लेट्स स्टार्ट, 5 reps। 1 2 3 4 5 ओके। अगला है डिक्लाइन पुशअप्स, तो अपसाइड डाउन हो जाओ। थर्ड जो है वो डिक्लाइन पुशअप्स, कम ऑन। 1 2 3 4 5 ओके। अभी फोर्थ जो हम कर रहे हैं वो है सूर्य नमस्कार, जहाँ से पुशअप्स की इन्वेंशन हुई है तो इसे हम कभी भूल नहीं सकते, और इसे अंग्रेज लोग कहते हैं हिंदू पुशअप्स। दोस्तों नॉर्मल पुशअप में आपका चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप वर्क हुआ, इंक्लाइन पुशअप्स में जो है आपका लोअर चेस्ट वर्क हुआ, डिक्लाइन में जो आपका अपर चेस्ट वर्क हुआ। अभी हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में ओवरऑल डेवलपमेंट आपका कोर, आपका लोअर बैक, क्योंकि देखते आपका जो मूवमेंट जो है सांप जैसा मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इसमें जो है सूर्य नमस्कार दो टाइप के रहते हैं, तो दोनों आपको करके बताएंगे। आप पैर पीछे, पैर पीछे और पीछे और, ओके स्टार्ट, डाउन एंड अप। 1 5 reps। 2 3 हाँ। 4 लास्ट 5 ओके। अभी जो है सूर्य नमस्कार का जो सेकंड फॉर्मेट है, जैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे, जैसे हमारा कैमरा मैन बोलते हैं ऐसे ही जाना है आपको और वापस ऐसे ही आना है। ओके लेट्स स्टार्ट,
एक्चुअल सूर्य नमस्कार जो रहता है वो यही है जो भी हम परफॉर्म करके आपको बता रहे हैं, डाउन और ऐसे ही आपको रिवर्स में जाना है एंड वन। इसमें आपका दोस्तों शोल्डर्स ज़्यादा वर्क होगा, आपका देखिए लोअर बैक भी वर्क हो रहा है, आपका हैमस्ट्रिंग वर्क हो रहा है। थ्री, फोर, फाइव। शुरू के दो दिन में दोस्तों इसमें जो है आपके कमर में भी दर्द हो सकती है, शोल्डर में पेन हो सकता है, क्योंकि इसमें शोल्डर स्ट्रेच होते हैं। जैसा हमने बताया था कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में स्ट्रेच कहाँ से होगा, लोग आप सोचते रहोगे, तो जो स्ट्रेच होगा वो सूर्य नमस्कार में होगा मोस्टली। तो दोस्तों ये ना सूर्य नमस्कार जो ऐसे हम हिंदू पुशअप कहते हैं, वन एंड टू आपको दोनों परफॉर्म करना है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारे अगले पुशअप्स पे, वो है नैरो। दोस्तों आप हाथ देखिए मोंटू ने कैसे रखा, मेरे हिसाब से मेरा जो एक जो है ये देखिए हाथ इसके बीच में है, ये देखिए खोलो, ये इतना गैप रखना है आपको नैरो पुशअप्स में। इसमें मोस्टली आपके ट्राइसेप्स वर्क होंगे। लेट्स स्टार्ट, चलो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके, वाइड पुशअप्स, हाथ खोल लो और खोलो और खोलो और उसके बाहर जाओ, बस गो फॉर इट। शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर रहेगा। यस, वन, टू, दिस स्ट्रेचेज योर चेस्ट एक्चुअली, एग्जैक्टली नॉर्मल से बेटर है, मतलब इसमें हैंड्स थोड़ा वाइड रहेगा। ओके, तो वाइड भी हो गए, नॉर्मल भी हो गए। अभी हम चलते हैं दोस्तों डायमंड। मोंटू को तो पता ही है दोस्तों डायमंड में कैसा रखना है हाथ, तो आपका जो हाथ का वो शेप रहेगा थोड़ा डायमंड जैसा रहेगा। दोस्तों जैसा हमने बताया था कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो हाई होते जाएगा आगे जैसे जैसे हम आगे के जाएंगे। और अब दोस्तों आप अभी करके देखिए, देखिए आपको पता लगेगा, पता चलेगा कि आपका ट्राइसेप्स कैसा वर्क हो रहा है। स्टार्ट, फाइव रेप्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके, अभी हम करेंगे वन लेग पुशअप्स। पुशअप्स आपको नॉर्मली करना है वो, उसमें आप पुशअप्स आपको नॉर्मली करना है लेकिन एक पैर आपको उठा के करना है। मतलब अगर आप 20 रेप कर रहे हो तो एक में एक पैर उठा लीजिए, 10 रेप में फिर 10 रेप के बाद दूसरा पैर उठा लीजिए, जब दोनों पैर हवे में नहीं, चेंज करना है, फ्लक्चुएट करना है। फाइव रेप्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। दूसरा भी करके दिखाओ, पैर जितना सके ऊपर लो। यस, वन, अभी मजा आएगा, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके, और जो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है स्पाइडरमैन। दोस्तों आपको मेन जो है अभी यहाँ से वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो स्किप करते हैं, जो आधा वीडियो देख के छोड़ देते हैं, वो शायद ये चीज़ जरूर मिस करेंगे, जो पूरा देखेंगे वो कभी मिस नहीं करेंगे। मेन एक्सरसाइज जो कैलिस्थेनिक्स की और क्रॉसफिट की जो है, जिसमें पुशअप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अभी यहाँ से चालू होंगे। सो हम करेंगे स्पाइडरमैन पुशअप, मैं करके दिखाऊँ। वन, टू, थ्री, ट्राई करिए आपका जो पैर जो है आपके एल्बो को टच करने के लिए। फोर, फाइव। ओके, रिलैक्स। हम चलेंगे दोस्तों, वो है वन आर्म पुशअप, एक हाथ पे आपको पुशअप करना है। मैंने प्यार किया मैं सलमान खान को तो दिखा ही रहेगा आपने पुशअप्स करते हुए, तो बस वैसे ही मोंटू परफॉर्म करेगा। मोंटू आ जाओ। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, आपको शोल्डर इंजरी है, रोटेटर कफ में प्रॉब्लम है, शोल्डर डिसलोकेट है, तो ये पुशअप आप परफॉर्म मत करिए। यस, वन, टू, थ्री, फोर। ओके, रिलैक्स। दोस्तों एक पोजीशन पे हम वेट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर आपसे मिस्टेक ना हो जाए, तो वो पोजीशन ज़रा ले लो। हाथ का एंगल देखिए, ये एंगल रहेगा ये साइड में, एक हाथ वहाँ पर आपके थाइस पे रहेगा। पैर को आपको खोलना है, क्योंकि आप दोनों पैर सीधा करके आप नहीं मार सकते, तो पैर को आपको खोलना ताकि जो है आपका बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। और ये एंगल आपको पकड़ना है, आपको करना है। आपको ट्राइसेप में इंजरी है, शोल्डर में इंजरी है, रोटेटर कफ में प्रॉब्लम है, आपको डिसलोकेशन है, तो आप ये वर्कआउट नहीं करेंगे। एक 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 करके दिखाओ, और एक। ओके, रिलैक्स। अगला जो हम कर रहे हैं दोस्तों वो है रिवर्स पाम पुशअप। जो हम करते हैं दोस्तों वो ऐसे करते हैं, इसमें आपको उल्टा करना है, भूत बन जाना है, क्योंकि आपको ये ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है पुशअप्स। मोंटू आ जाओ, कुछ अलग बताएंगे तो फिटनेस फाइटर आगे जाएंगे और जो कॉपी करेगा वो भी आगे जाएंगे। आप हाथों का पोजीशन दे सकते हैं, भूतिया पोजीशन है इसे कहते हैं हम। पुश, वन, टू, थ्री, फोर। ओके, फाइव। इसमें ट्राइसेप भी वर्क होगा, इसमें आपका बाइसेप स्ट्रेच होएंगे, आपका शोल्डर कम वर्क होगा, आपका चेस्ट चेस्ट भी वर्क होगा, लोअर बैक भी वर्क होगा, ऑलमोस्ट जो है अपर बॉडी के सब मसल्स इसमें वर्क होंगे।
चलते हैं अगले वर्कआउट पे। मेरी बात मान के चलो, मुझे 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, करके देखना, बहुत टफ है और बहुत मजा आएगा करने में। बर्पीज कहते हैं इसे, पुशअप्स करके जंप करना है, फिर पुशअप्स करके फिर जंप करना है। और दोस्तों ये जो है आपकी इसमें पूरी बॉडी वर्क होगी, इसमें आपके पैर भी वर्क होंगे, लोअर बैक वर्क, पूरा कोर वर्क होगा, अपर बॉडी तो इसमें वर्क होगी। आइए आपको बताते हैं कैसे। तो दोस्तों ये जो बर्पी जो था ये मैंने परफॉर्म किया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो है क्रॉलिंग पुशअप्स। लेट्स स्टार्ट मॉन्टू, कम ऑन, क्रॉल पुशअप, क्रॉल पुशअप, क्रॉल क्रॉल, 5 reps, क्रॉल, सर लग जाएगा, लास्ट वन, ओके रिलैक्स। जो नेक्स्ट अभी हम करने वाले हैं वो है क्लैप पुशअप। लेट्स स्टार्ट, 5 repetitions। और दोस्तों एक चीज़ ये थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि आपका जो अगर आपने क्लैप नहीं किया, अगर क्लैप हुआ भी तो अगर आप स्मैश हो सकते हो, आपके नाक पे लग सकता है, आपके दांत टूट सकते हो, तो मेक श्योर आप परफॉर्म बढ़िया से करो। फर्स्ट टाइम परफॉर्म करे तो पहले नी पे करो, जिन्होंने ऑलरेडी परफॉर्म किया इट्स ओके। 1, 2, 3, 4, ओके 5, रिलैक्स। चेस्ट क्लैप, 15 तरीके के पुशअप हो गए, अभी भी 2 बाकी है। तो दोस्तों ये सब जो परफॉर्मेंस जो है ये क्रॉसफिट और कैलिस्थेनिक्स में होती है। 1, 2, 3, 4 and 5, रिलैक्स। 6, तो इन्होंने जो 6 ही कर दिए। तो दोस्तों मोंटू से पूछना चाहेंगे, क्या मोंटू कितना हार्ड था? सर मेरे लिए टोटली इजी था, पर आप लोगों के लिए हार्ड लगेगा, क्योंकि ये परफॉर्म करते रहता है। दोस्तों हमारा 16 जो है वो सेकंड लास्ट जो है वो वेटेड पुशअप है, तो उसमें आज जो है वो वेट डाल के करना है। तो मैं चाहूँगा कि सतीश जी जो है वो मोंटू के ऊपर बैठे और पुशअप्स को परफॉर्म करें। तो देखिए आपको वेट्स कैसे रखने हैं, देखिए ऊपर रख दिया आपने, एक हाथ ज़मीन पे रखा, फिर दूसरा उसमें छोड़ दिया और उसको एडजस्ट किया, क्योंकि अगर आप परफॉर्म करोगे अकेले तो आपको ऐसे ही वेट रखना है अगर आपके साथ में कोई नहीं हो तो। यस, ऑन द टोस, वेटेड पुशअप्स, आपकी कैपेसिटी जितनी है आप उतना मार सकते हैं। 5 counts, 1, 2, 3, ओके 5। तो मैं ये वेट्स ले लेता हूँ, काफ़ी। हाँ ज़रूर आप करिए, तो हमारे जो एडिटर जो है वो भी करेंगे। मोंटू जी ये ज़रा हेल्प कर दीजिए। तो ये जो है तो भारी है, तो फिर भारी है ना, 15 kilo का है। अरे यार चलो रखो। तो ये भी थोड़े से फुटेज खाने के लिए बीच में आ गए। करो करो करो। तो दोस्तों आपकी ये भी हालत हो सकती है अगर आप जो है ज़्यादा वेट लेके करेंगे तो। रहने दो, हमारे एक ही एडिटर है तो उन्हें सही सलामत रहने दीजिए। तो वेटेड पुशअप तो हो गया हमारा, सबसे लास्ट पुशअप वो है सुपरमैन पुशअप। बहुत ही संभाल के करना होगा, अगर आपके दांत टूटे, आपका नाक फूटा, फिटनेस फाइटर उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं आपको कि आप नीचे गद्दे पर एक बार ट्राई करिए, डायरेक्ट आप ज़मीन पर ट्राई मत करिएगा, आपको इंजरी हो सकती है, शोल्डर में भी हो सकती है, आपके क्या बोलते हैं नाक भी फूट सकता है। देखिएगा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ में करिएगा, पहले आप बेड पे करिएगा, उसके बाद में आप फ्लोर पे करिएगा। 5 jump, 1 jump, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, ये बहुत हार्ड है। 2, 3, 4, लास्ट वन, लवली, एक्स्ट्रा कर देना। ओके, एक ज़्यादा कर दिया मोंटू ने, एक जो ज़्यादा किया है वो फिटनेस फाइटर और आप लोगों के नाम था वो एक जो था। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा इसे, नहीं और लाइक ज़रूर करना, कमेंट तो ज़रूर करना, और कितने लोगों ने साथ में किया वो ज़रूर बताना। दोस्तों आपने देखा कि 17 टाइप्स के पुशअप्स और भी इसमें है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये 17 आप फॉलो करिए और इसका फुटेज और इसका वीडियो हमें भेजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर आपको भेजना है। और अगर आपने सही तरीके से अगर आपने परफॉर्म किया है तो आपका जो है, जैसे हमने बताया था कि आपका वीडियो अपलोड होगा हमारे फेसबुक पेज पे, फिटनेस फाइटर्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम में, और प्लस आपका नाम लिया जाएगा अगले आने वाली वीडियो में कि ये जो भी आपका नाम है। तो दोस्तों वीडियो देखते देखते आप परफॉर्म करिए, इंजरी फ्री वर्कआउट करना है आपको, और हमें ये भी देखना है कि हमारे फिटनेस फाइटर्स फैमिली में कितनी ताकत है, कि कितने लोग इसे परफॉर्म कर सकते हैं राइट वे में। तो तब तक के लिए दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को आप फॉलो करिए,
@HarmeetBamra, @MontuMoriaFitness एंड फिटनेस फाइटर्स ऑफिशियल हमारा फेसबुक पेज फिटनेस फाइटर्स। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बहुत इफेक्टिव है क्योंकि हमने 17 वर्कआउट जो है वो हमने परफॉर्म करके दिखाए, 17 भी नहीं 18 है क्योंकि सूर्य नमस्कार के जो दो फॉर्मेट हमने किए हैं पूरा वीडियो तो आपने देखा है। जिन्होंने यहाँ तक देखा है वो जरूर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह पिक्चर अपने वीडियोज़ भेजेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर तो बनता ही है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।